इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है और वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि हमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहूलत फराहम करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को समझने के लिए हमें इन चार चीजों का पता होना चाहिए कि विंडो क्या होती है, आइकन किसे कहा जाता है, मेन्यू का क्या मतलब है और पॉइंटर किसे कहते हैं। ये वो चार फीचर्स हैं, ये वो चार खसूसियात हैं जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में पाई जाती हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहली खसूसियत है जिसको हम विंडो कहते हैं, विंडो दरअसल हमारे पास जैसे कि लेट सपोज़ आप इस वक्त भी हम यूज़ कर रहे हैं एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ये वीडियो बनाने के लिए, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे जो ये मैंने ओपन किया है माई कंप्यूटर को, तो ये दरअसल क्या है, ये एक विंडो है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने सी ड्राइव ओपन किया तो सी ड्राइव की विंडो ओपन हो गई है। अब इस सर्च विंडोज़ यानी इस विंडो पे अगर मैं कुछ सर्च करना चाहूँ तो वो मैं सर्च कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास डिफरेंट विंडोज़ होती हैं जो कि हम ओपन करते हैं और अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आइकन किसे कहते हैं। आइकन जो है वो दरअसल किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट आइकन्स हैं यहाँ पर। और इसी तरह जो है यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स एंड फोल्डर हैं, ये मैक का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकेंटिश ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये फोल्डर्स के आइकन्स हैं। और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं, ये इनके आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइकन्स की फैसिलिटी की वजह से हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। हमने जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना होता है हम उस आइकन पर डबल क्लिक करते हैं और हमारा वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है मेन्यू का, यानी कि हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं और उन मेन्यूज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेट सपोज़ अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका स्टार्ट मेन्यू है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो ये जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, इस मेन्यू में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। इसके अलावा आप कहीं पर भी राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू खुल जाता है और यहाँ से भी आपके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन को सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। और पॉइंटर जो है वो पॉइंटर ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक पॉइंटर मूव कर रहा है और पॉइंटर से हम जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आइकन पे क्लिक करना चाहें उस पॉइंटर की मदद से कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास एक पॉइंटर है, मैंने वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। इस तरह इस पॉइंटर को घुमाने से हमारे पास जो ऑप्शंस को सेलेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये इस तरह का जो इंटरफेस होता है जो कि हमें ये चार सहूलियात प्रोवाइड करता है, विंडो, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स, इस तरह के इंटरफेस को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अब इसमें हमारे पास तीन टाइप्स हैं जो कि आजकल की मॉडर्न कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि आजकल के जदीद कंप्यूटर्स में जिनका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर पहली टाइप है जिसको हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था और इसकी सबसे जो कमर्शियल में मार्केट में जिसकी पहली वर्जन आया था विंडोज़ 95 था और उससे लेकर अब तक काफ़ी विंडोज़ हमारे वर्जन आ चुके हैं और लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास आया है वो विंडोज़ 10 का है। ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ये विंडोज़ 7 का है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, आइकन्स होते हैं और यूज़र के लिए विंडोज़ का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। विंडोज़ का इस्तेमाल करना इसलिए भी आसान है क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान है, इसके अंदर ऑप्शंस को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो ये एक आम यूज़र के लिए विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना बेहतरीन ऑप्शन है। अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप है हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कोड जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कि इंटरनेट पर इसका जो कोड है वो अवेलेबल है। दुनिया भर के प्रोग्रामर्स, दुनिया भर की कंपनीज इसके अंदर डेवलपमेंट करती जा रही हैं, इसके अंदर बेहतरी लाती जा रही हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फ्रीली अवेलेबल है और इसको आपको परचेज़ करने के लिए जो है इसको आपको परचेज़ नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है इसकी
का यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये आमतौर पे प्रोग्रामर्स के लिए या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी फंक्शनैलिटी नॉर्मल विंडोज से काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये ख़ास तौर पे जहाँ पे हमें टेक्निकल काम करना पड़ता है, यहाँ पे हमें नेटवर्किंग करनी पड़ती है, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, जहाँ पे वहाँ पे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अगली टाइप है वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1984 में, और इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आती गईं, और अब इसकी लेटेस्ट फॉर्म मौजूद है मैक ओएस के नाम से, ओएस एक्स के नाम से इसकी फॉर्म मौजूद है। इसके इंटरफेस आपके सामने मौजूद है। ये इस्तेमाल होता है मैक बुक्स के अंदर, और आईओएस डिवाइसेस जो हैं, जिसकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि मुख्तलिफ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने ये GUI डिज़ाइन किए हुए हैं, और आम पब्लिक जो है इनका इस्तेमाल कर रही है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में।